नमस्कार मैं एडवोकेट नरेश कुदाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विधान का ज्ञान पर दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि एक सिविल केस क्या होता है और सिविल केस को फाइल करने की प्रक्रिया क्या होती है आज के वीडियो में उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि सिविल केस को फाइल किए जाने के बाद कोर्ट के द्वारा उसके निस्तारण के लिए यानी निपटारे के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है लेकिन इसके पहले यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक ऊपर स्क्रीन पर दिया गया है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा रहा है इस वीडियो को देखने के साथ ही वह वीडियो भी ज़रूर देखें ताकि आपको सिविल केस से संबंधित संपूर्ण प्रक्रिया का ज्ञान हो सके किसी भी सिविल केस की मुख्यतः सात स्टेजेस होती हैं पहली स्टेज है फाइलिंग दूसरी स्टेज है प्रतिवादी की तलबी तीसरी स्टेज आती है प्रतिवादी के द्वारा जवाब का पेश किया जाना और इसके बाद चौथी स्टेज आती है कोर्ट के द्वारा इश्यूज़ फ्रेम किए जाते हैं इश्यूज़ फ्रेम करने के बाद पांचवी स्टेज एविडेंस की होती है एविडेंस के बाद पक्षकारों के वकीलों द्वारा अपनी दलीलें दी जाती हैं और उसके बाद अंतिम स्टेज के रूप में कोर्ट के द्वारा उस केस का निर्णय कर दिया जाता है आज के वीडियो में हम सिविल केस को स्टेज बाय स्टेज जानने की कोशिश करेंगे जिनमें से पहली स्टेज यानी फाइलिंग की स्टेज को हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं फाइलिंग की स्टेज के बाद दूसरी स्टेज तलबी की आती है यानी कि जब कोर्ट के रजिस्ट्रार के द्वारा को केस को फाइल कर दिया जाता है उसके बाद कोर्ट प्रतिवादी या प्रतिवादियों के नाम से समन जारी करती है कोर्ट के द्वारा समन यानी प्रतिवादी को बुलावा होता है कि आपके विरुद्ध यह केस फाइल किया गया है और इसमें आपकी तरफ से जो भी कहा जाना है वह आप कोर्ट में आकर कह सकते हैं प्रतिवादी को समन कोर्ट के द्वारा समन अधिकारी के साथ भिजवाया जाता है और यदि कोई प्रतिवादी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत निवास नहीं करता है तो उसका समन रजिस्टर्ड डाक के जरिए भी भिजवाया जा सकता है और यदि इन दोनों ही तरीकों से प्रतिवादी की तामिल नहीं हो रही हो तो कोर्ट उसकी तामिल को समाचार पत्र में प्रकाशित करके भी करवा सकता है प्रतिवादी पर समन की तामील के बाद स्टेज आती है प्रतिवादी के द्वारा जवाब पेश किए जाने की प्रतिवादी को समन की तामील से तीस दिन का अवसर जवाब पेश किए जाने के लिए मिलता है और यदि वह किसी कारण से तीस दिन के भीतर जवाब पेश नहीं कर सकता है और कोर्ट से ऐसी प्रार्थना करता है तो कोर्ट उसे अधिकतम साठ दिन तक का समय और दे सकता है इस प्रकार कुल 90 दिनों का अवसर प्रतिवादी को जवाब फाइल करने के लिए मिल जाता है जवाब के साथ ही प्रतिवादी को वो सारे दस्तावेज भी सूची के साथ प्रस्तुत करने होते हैं जिन दस्तावेजों के आधार पर वह अपने जवाब में कथन करता है या अपने मामले को अपने पक्ष में साबित करना चाहता है यदि प्रतिवादी के द्वारा अपने जवाब में कोई ऐसे नए तथ्य उठाए जाते हैं जिनका उल्लेख वादपत्र में नहीं हो तो फिर वादी को उन नए तथ्यों का जवाब देने के लिए एक और अवसर मिलता है जिसे कोर्ट की भाषा में जवाबुल जवाब कहते हैं और सामान्य भाषा में इसे रिजॉइंडर या प्रत्युत्तर कहा जाता है एक परिस्थिति यह भी आ सकती है कि प्रतिवादी को समन तो प्राप्त हो गया है लेकिन समन प्राप्त होने के बावजूद भी वह कोर्ट के सामने उपस्थित नहीं हो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट ऐसे प्रतिवादी के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही करता है और एक तरफा कार्यवाही हो जाने के बाद उस केस में केवल वादी की सुनवाई की जाती है और वादी की सुनवाई के आधार पर ही केस का निर्णय कर दिया जाता है प्रतिवादी के द्वारा जवाब पेश किए जाने के बाद स्टेज आती है सेटलमेंट ऑफ इश्यूज़ की यानी कि इस स्टेज में कोर्ट के द्वारा वादी के वादपत्र और प्रतिवादी के लिखित कथन दोनों को पढ़ा जाता है और यह जानने का प्रयास किया जाता है कि वादी और प्रतिवादी के मध्य वास्तव में विवाद किन बिंदुओं पर है ऐसे विवाद के बिंदुओं को कोर्ट के द्वारा लिख लिया जाता है और ऐसे बिंदुओं को ही विवादक यानी इश्यूज़ कहा जाता है इन इश्यूज़ पर ही कोर्ट सुनवाई के दौरान किसी भी पक्ष की साक्ष्य को ग्राह्य करता है और इन इश्यूज़ पर ही कोर्ट के द्वारा अपना निर्णय दिया जाता है इश्यूज़ बनाकर कोर्ट के द्वारा दोनों पक्षकारों के वकीलों से राय भी की जाती है और यदि किसी पक्षकार के द्वारा ऐसा कोई इश्यू कोर्ट को सुझाया जाता है या सजेस्ट किया जाता है जो कि कोर्ट्स के द्वारा बनाने से रह गया है तो ऐसे नए इश्यू को भी कोर्ट उन इश्यूज में शामिल कर लेता है इश्यूज सेटल होने के बाद में किसी भी केस में एविडेंस की स्टेज आती है एविडेंस के लिए इश्यूज़ के सेटलमेंट से पंद्रह दिनों के अंदर दोनों पक्षकारों को उन गवाहों की लिस्ट देनी होती है जिन गवाहों के बयान वे अपने केस को साबित करने के लिए कोर्ट में करवाना चाहते हैं गवाहों की सूची पेश करने के बाद एविडेंस चालू हो जाती है जिसके दौरान पहले वादी के सारे गवाहों के बयान लिए जाते हैं और फिर प्रतिवादी पक्ष के जितने गवाह हैं उनके बयान लिए जाते हैं गवाहों के बयान के लिए जो स्टेटमेंट गवाह के द्वारा दिया जाना है वह स्टेटमेंट उसे शपथ पत्र फाइल करके देना होता है और उस शपथ पत्र के फाइल होने पर विपक्षी पक्षकार का वकील उस गवाह से जिरह करता है यानी उस गवाह गवाहों से सवालत पूछता है जिनसे गवाहों की विश्वसनीयता का पता चल सके और उस दौरान विपक्षी पक्ष का वकील यह कोशिश भी करता है कि गवाह को झूठा साबित करके अपना केस कोर्ट में साबित किया जाए दोनों तरफ से गवाहों के बयान पूरे होने के बाद आर्ग्यूमेंट्स की स्टेज आती है आर्ग्यूमेंट्स की स्टेज के दौरान कोर्ट के द्वारा सुनवाई के लिए तारीख नियत की जाती है और उस नियत तारीख पर दोनों पक्षकारों के वकीलों द्वारा अपना अपना पक्ष रखा जाता है जिसमें अपनी प्लीडिंग और अपने बयानों के आधार पर अपनी अपनी दलीलें दोनों पक्षकार रखते हैं आर्ग्यूमेंट्स के दौरान भी पहले वादी के वकील को अवसर मिलता है वादी के वकील के द्वारा आर्ग्यूमेंट्स ख़त्म करने के बाद प्रतिवादी के पक्ष के द्वारा उसका जवाब दिया जाता है और यदि प्रतिवादी पक्ष जवाब के दौरान कोई नए तथ्य कोर्ट के सामने उठाता है तो वादी का वकील उनका जवाब वापस दे सकता है कोर्ट के द्वारा बहस सुनने के बाद तीस दिन के भीतर भीतर निर्णय दिया जाना जरूरी होता है यदि किसी कारण से कोर्ट के द्वारा तीस दिन के भीतर निर्णय नहीं दिया जाता है तो फिर कोर्ट पक्षकारों की बहस दोबारा सुनता है और दोबारा सुनने के बाद दोबारा निर्णय के लिए तारीख नियत करता है दोस्तों वीडियो में जो प्रक्रिया बताई गई है वह आपको काफ़ी सरल लग रही होगी और इसी कारण मन में यह सवाल भी आ रहा होगा कि यदि सिविल मामलों में प्रक्रिया इतनी सरल है तो सिविल केसेस के निपटारे में इतना समय क्यों लग जाता है देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिविल मामलों में मामले के दौरान काफ़ी परिस्थिति आती है जैसे मान लीजिए वादी या प्रतिवादी पक्ष में से किसी का देहांत हो जाता है तो उसके विधिक उत्तराधिकारियों को पहले फाइल पर रिकॉर्ड में लाया जाना पड़ता है और जब तक उनको रिकॉर्ड पर नहीं लाया जाता केस में हियरिंग रुक जाती है इसी तरह से मान लीजिए कोई गवाह वृद्धावस्था या बीमारी के कारण से कोर्ट में आकर बयान देने में असमर्थ है तो उसके बयानों के लिए कोर्ट में कमिश्नर नियुक्त करके बयान करवाए जाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया जाता है और फिर को उस केस में भी हियरिंग तब तक के लिए रुक जाती है जब तक कमिश्नर का प्रार्थना पत्र निस्तारित नहीं कर दिया जाए इसी प्रकार और भी काफ़ी परिस्थितियाँ होती हैं जिनके कारण अलग अलग प्रार्थना पत्र सिविल केस में पेश करने पड़ते हैं और इन्हीं प्रार्थना पत्रों के पेश होने पर केस की मुख्य प्रक्रिया रुक जाती है और पहले प्रार्थना पत्रों का निपटारा करना पड़ता है इसके अलावा सिविल केस में देरी का मुख्य कारण पक्षकार या वकील खुद भी होते हैं क्योंकि कई बार तैयारी नहीं किए जा सकने के कारण से पक्षकारों द्वारा और वकीलों के द्वारा एडजोर्टमेंट लिए जाते हैं और जितने ज़्यादा एडजस्टमेंट लिए जाएंगे केस उतना ही लंबा खींचता चला जाता है अपने किसी भी केस में सुनवाई जल्दी कैसे करवाएं और ऐसे क्या कार्य करने चाहिए जिनसे केस का निपटारा जल्दी हो सके इसके लिए हमने एक अलग वीडियो बनाया है जिसका लिंक ऊपर दिखाई दे रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा रहा है आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें ताकि अपने केस में आप जल्दी सुनवाई करवा सकें देखिए सिविल केस में आने वाली सारी परिस्थितियों के बारे में एक वीडियो में बताया जाना संभव नहीं है इसलिए यदि आपके मन में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं इस तरह से हमने जाना कि एक सिविल केस में अपनाई जाने वाली सामान्यतया प्रक्रिया क्या होती है इसी तरह की उपयोगी जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ मिलते हैं अगले वीडियो में